नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 71वां दिन है और 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए अब महाराष्ट्र में मौजूद है और आज गुरुवार को यात्रा महाराष्ट्र के पातुर से शुरू की गई। बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस की पदयात्रा 14 दिनों तक जारी है, जिस दौरान यात्रा 5 जिलों में होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय कर 20 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 37 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने पालनपुर से महेश पटेल को टिकट दिया है और गोधरा से रश्मिता बेन दुष्यंत सिंह चौहान को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं गांधीनगर नॉर्थ से वीरेंद्र सिंह, मफत सिंह वाघेला और सानंद से रमेश कोहली उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने इसमें नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी का नाम शामिल किया था। इसके साथ ही पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक बनाया था और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भूपेंद्र हुड्डा समेत कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को भी शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कैश फॉर टिकट मामले में समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए आज गुरुवार को बुलाया गया है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने कैश फॉर टिकट मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन ब्रांच ने विधायक के पीए विशाल पांडे उर्फ शिव शंकर पांडे, साले ओम सिंह, प्रिंस रघुवंशी को गिरफ्तार किया था। दरअसल कमला नगर के वार्ड नंबर 69 में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से टिकट की मांग की थी और आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए मांगे थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता को घूस के तौर पर दिए थे। उन्होंने कहा कि बाकी के 35 लाख रुपए लिस्ट में नाम आने के बाद देने थे। शोभा खारी ने कहा कि लिस्ट में नाम नहीं आया तो उन्होंने इस बात की शिकायत विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले ओम सिंह से की तो उसने पैसे वापस करने की बात कही। शिकायतकर्ता ने बाद में इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की और सबूत के तौर पर रिश्वत देने के समय का रिकॉर्डेड वीडियो भी एजेंसी को मुहैया करवाया। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 नवंबर की रात को, जब ओम सिंह अपने साथी शिव शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी के साथ घूस के 33 लाख रुपए लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचे, उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में तीनों को कैश के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विनायक दामोदर सावरकर के अपमान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि राहुल को सही समय आने पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सावरकर पर रोज झूठ बोलना जारी है, निर्लज्जों की तरह बर्ताव किया जा रहा है हर रोज। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका जवाब जनता ही देगी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि बिरसा मुंडा ने 24 साल की आयु में अपनी जान दे दी। बिरसा मुंडा आपके नेता हैं और आरएसएस बीजेपी के नेता सावरकर हैं। सावरकर को वीर कहते हैं। सावरकर ने खुद पर एक किताब लिखी लेकिन किसी और का नाम दिया। वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो। जेल से बाहर आने पर अंग्रेजों से सावरकर ने कहा, हाँ जी मैं हाजिर हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में उन 32 महिलाओं को पूरी पेंशन देने का फैसला किया गया है जो भारतीय वायुसेना में अपने 5 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन कार्यकाल से अधिक समय की सेवा के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। बता दें, पूरी पेंशन 20 साल तक सेवा देने वाले अधिकारियों के बराबर है। आईएएफ की इन 32 महिला अधिकारियों को अपनी कानूनी लड़ाई जीतने से पहले ही रिटायर होना पड़ा। यह कानूनी लड़ाई पूरे 12 साल चली। इन महिला अधिकारियों में से 3 विधवा हैं। इन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने पति को खो दिया था और इन्हें अनुकंपा के आधार पर आईएएफ में कमीशन दिया गया था। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2020 के बबीता पूनिया मामले के आदेश को ध्यान में रखा, जिसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए हायरिंग और भर्ती प्रथा भेदभावपूर्ण है और इन्हें उन पदों से बाहर रखा गया था जिसकी वे हकदार थीं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के प्रवेश में वृद्धि का मार्ग दिखाया था। अब उनके पास एक पूर्ण करियर सेवा करने का विकल्प है, जो पहले अधिकतम 10 या 14 साल तक सीमित था। बहरहाल केस जीतने वाली इन 32 महिला अधिकारियों के लिए अपनी यूनिफॉर्म में फिर से सेवा का मौका मिलने के लिहाज से देर हो चुकी है, लेकिन पूरी पेंशन का फैसला इस बात को दर्शाता है कि उनकी कानूनी जंग और मांगे पूरी तरह से जायज थी। इंडोनेशिया के बाली में बुधवार 16 नवंबर को खत्म हुई G20 की बैठक में अगले एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। इस साल 1 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 30 नवंबर तक भारत ही G20 समूह का अध्यक्ष रहेगा। इस नाते अगले साल नवंबर में G20 समूह में शामिल देशों की शिखर बैठक भारत में ही आयोजित होगी। वहीं G20 समूह की अध्यक्षता को मोदी सरकार ने भारत की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब को लेकर हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि दिल्ली पुलिस गुरुवार को आफताब की ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगेगी। इसके पीछे की वजह ये है कि इस मामले में अब तक मृतक का सिर और हथियार बरामद नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस गुरुवार को कोर्ट में नार्को टेस्ट की परमिशन को लेकर भी अपना पक्ष रखेगी। पुलिस कोर्ट को ये बताएगी कि इस मामले में नार्को टेस्ट क्यों जरूरी है। बता दें कि पुलिस अभी तक आफताब की बातों पर पुख्ता तौर पर यकीन नहीं कर पा रही है, इसलिए वह नार्को टेस्ट करवाना चाहती है। अगर कोर्ट इस टेस्ट की परमिशन देता है या आरोपी की रजामंदी हो जाती है तो भी इसे करने के लिए काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट से पहले हेल्थ चेकअप भी कई एंगल से कराया जाता है, जिसमें पास होना जरूरी होता है। अगर उसमें फेल हुए तो ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने में महीनों का वक्त लग सकता है। इसके बाद दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, जो करीब 1 घंटे में पूरा किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।